औद्योगिक नगरी पीथमपुर सेक्टर एक के धन्नड़ गांव में एक युवक की बेरहमी पूर्वक हत्या के सनसनीखेज मामले में सेक्टर नंबर एक थाना पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी आसिक पटेल सहित सभी छह आरोपियों को लेकर धार पहुंची और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गौरतलब है कि 11-12 अक्टूबर की दरमियानी रात को लापता हुए 24 वर्षीय युवक रुपेश बिरला की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद और मुख्य आरोपी धन्नड़ गांव निवासी आसिक पटेल पर परिजनों द्वारा शंका जाहिर करने के बाद पुलिस ने 12 अक्टूबर को आसिक पटेल को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की थी, जिसमें आसिक पटेल ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक रुपेश बिरला की हत्या कर उसे अपने घर के आंगन में दफना देने की बात कबूल की थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक रुपेश बिरला के शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सुपुर्द किया था। वहीं तत्काल एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी भू माफिया आसिक पटेल के 200 कमरों वाले आलीशान मकान पर भी बुलडोजर चलाकर जमीन दोज किया गया था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक युवक के परिजनों और कई संगठनों सहित पीथमपुर वासियों ने जमकर हंगामा करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर सीएसपी कार्यालय के सामने जाकर हंगामा करते हुए चक्का जाम भी किया। वहीं एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने मीडिया को बताया कि इस जघन हत्याकांड में मुख्य आरोपी आसिक पटेल के 2 लड़के अजरुद्दीन व असलम उर्फ राजा को भी आरोपी बनाया गया है। रिमांड में हुई पूछताछ सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की भूमिका पाई गई है, इसके बाद इन्हें भी आरोपी बनाया गया है। अब इस पूरे मामले में कुल 8 आरोपी हो गए हैं। दोनों आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पीथमपुर में जो एक रुपेश नामक युवक का जघन्य हत्याकांड हुआ है, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्दांत घटना है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इसमें आशिक पटेल और उसके साथी के द्वारा जो घटना की गई है, सभी को अरेस्ट किया गया है। पुलिस रिमांड पर इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो तथ्य आए हैं उसके अनुसार इसके जो लड़के हैं अजहरुद्दीन और असलम उर्फ राजा, दोनों की संलिप्तता भी अपराध में पाई गई है। दोनों को भी आरोपी बनाया गया है। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल एविडेंसेस, वहाँ पे अन्य लोगों की पूछताछ, उपस्थिति, सबको बहुत ही गंभीरता के साथ में पिरोया जा रहा है और इसमें गंभीर से अपराध में सख्त से सख्त सजा हो, ऐसे सारी विवेचना के पहलुओं पर जांच की जा रही है।